नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ म्यूजिक कंपोजर नितेश तिवारी। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। और वैसे ही जैसे हर स्टेट के सीएम है जो अपने अपने बच्चों को स्टेट्स अपने अपने अलग अलग स्टेट से बुला रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कोटा के में कुछ बच्चे फंसे हुए थे, उन्हें भी बुलाया गया। तो वैसे ही मैं ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल बिहार में उनसे अपील करना चाहता हूँ कि DDUGKY नाम का ये संस्था था जो बच्चों को बुलाया गया था बैंगलोर में, और वो बच्चे बैंगलोर में फंसे हुए 80 बच्चे हैं, इसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी हैं। उन्हें पीजी में रखा जा रहा है, एक वक्त का खाना दिया जा रहा है, उनसे रेंट भी मांग रहे हैं और उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं, और पुलिस लाठीचार्ज भी की हुई है उन पर। और 80 बच्चे हैं, 2 या 3 रूम हैं और बहुत ही प्रॉब्लम्स में हैं उन लोग, और वो चाहते हैं कि सिलीगुड़ी जल्दी उन्हें पहुँचाया जाए। तो मैं ममता बनर्जी से अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप उन्हें जल्द से जल्द उनको सिलीगुड़ी पहुंचाया जाए ताकि वो बच्चे अपने घर तक पहुंच पाए। और मुझे जो वीडियो मुझे मिला है उन बच्चों का और मैं शेयर करना चाहता हूं, तो बस आप लोग एक बार देखिए उन बच्चों की दास्तान। थैंक यू। मेरा नाम सुबंती उराव है, मैं वेस्ट बंगाल से हूं। हम लोग DDUGKY सेंटर से यहां बेंगलोर में काम करने के लिए आए हैं, और यहां पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग यहां पे लॉकडाउन के वजह से फंस गए हैं। हम लोगों के पास जितना भी पैसा था वो सब ख़त्म हो गया है, रहने और खाने का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वेस्ट बंगाल सरकार से ये निवेदन है कि हम लोगों को थोड़ा हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितना भी है सब स्टूडेंट ही है और हम लोगों को घर जाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कि हम लोगों को थोड़ा हेल्प करो कि हम लोग घर जा सकते हैं। थैंक यू। हम लोग सब DDUGKY से सिलीगुड़ी से कोर्स करके हम लोग यहाँ पर बेंगलोर में काम करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, और जो भी पैसा हम लोग ने काम करके कमाए थे या फिर जो भी पैसा हम लोग के पास था सारा खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर हम लोग के पास से खाने के लिए भी पैसा नहीं, हम लोग ऐसे भूख से मर रहे हैं। और आप जो ये रूम देख रहे हैं, ये रूम में आपको देख के पता चल रहा होगा कि हम लोग किस हालत में है। यहाँ पर हम लोग का ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई हाइजीनिक ठीक से हो पा रहा है। तो मोदी जी और ममता दीदी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग का हेल्प किया जाए, हम लोग को यहाँ बेंगलोर से बाहर निकाल दिया, अपने अपने घर पहुँचाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इतने दिन से पड़े हुए हैं, इतने दिन से फंसे हुए हैं कि अभी हम लोग के पास सारा पैसा खत्म हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे? तो यहाँ पर हम लोग का रूम रेंट का भी यहाँ पर देना पड़े, रूम रेंट के अगर रूम रेंट नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के हम लोग का रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हम लोग का प्लीज़ हेल्प किया जाए। और जो सेंटर से हम लोग यहाँ पर कोर्स करके आए थे वहाँ से भी कोई हेल्प का कोई आशा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ से कोई कॉल ही नहीं आ रहा है। तो बस लास्ट मोदी जी और ममता दीदी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग का हेल्प किया जाए। अब हम लोग जितने भी हम लोग सब वेस्ट बंगाल से हैं, तो अभी हम लोग ऐसे हालत में फंसे हुए कि हम लोग अभी कुछ कर भी नहीं पा रहे, कहीं से हम लोग का कोई हेल्प का आशा नहीं दिख रहा है। तो प्लीज़ हम लोग का हेल्प किया जाए, प्लीज़ हम लोग का जो भी हो सके हेल्प किया जाए। बोलो। और तो यहाँ पर जितने भी सब हम लोग हेल्प का एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हम लोग का हेल्प किया जाए। हम लोग यहाँ पे DDUGKY सेंटर से कोर्स करके, दार्जिलिंग का सेंटर कोर्स करके यहाँ पे आए थे जॉब करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर लॉकडाउन के वजह से बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, पता नहीं कितने दिन तक लॉकडाउन जाएगा। हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं खा पाए। देखिए सबका हालत, देखिए यहाँ पे ना ही सोशल डिस्टेंस कुछ भी मेंटेन हुआ, ना ही हाइजीनिक मेंटेन हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे रूम पीजी का जो हम लोग यहाँ पे पीजी में आए थे, पीजी का जो ऑनर है वो बोल रहा है कि अगर इस महीने का रूममेट नहीं देंगे तो निकाल देगा पीजी से हम लोग। तो फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, घर भी नहीं जा पाए, कोई हम लोग के सेंटर से भी कोई कॉल नहीं है, हम लोग क्या करेंगे ऐसी हालत में? ऐसे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के हेल्प के लिए देखिए, हम लोग का थोड़ा हालत देखिए प्लीज। ममता दी और मोदी जी से हम लोग का रिक्वेस्ट है, प्लीज हम लोग का हेल्प कीजिए। और ये वीडियो जिन लोगों के पास भी जाए जितना से जितना हो सके वायरल कीजिए। Hey!